नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी जो न्यूज़ आई है कि बच्चन परिवार से ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि चलो बड़े तो इस चीज़ को झेल सकते हैं पर बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। पर क्या करेंगे, जो वायरस है ये बड़े बच्चों के बूढ़ों में किसी में फ़र्क नहीं दिख रहा है। स्पेशली मेरे घर में तो ऐसा माहौल है, यहाँ पर सब बहुत मतलब यूँ कभी न्यूज़ नहीं देखते हैं पर सभी बिल्कुल न्यूज़ में लगे हुए हैं। मम्मी तो सुबह से यूट्यूब पर लगी हुई है। कैसा लग रहा है आपको बच्चन परिवार से भी क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत दुखी हैं और बड़ा दुख हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो बहुत जल्दी पूरा परिवार स्वस्थ हो जाए और फिर से होने की बहुत सारी अभी तो अदाकारी देखना बाकी है, इसलिए फिर से ये लोग स्वस्थ होकर इंडियन स्क्रीन पर आए। तो ऐसा लग रहा है सबको बड़ा बुरा फील कर रहे हैं। पल्लवी तुमको कैसा लग रहा है? हम बस यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अमिताभ जी ठीक हो जाएं, ऐश्वर्या ठीक हो जाए और हम कौन मरेगा करोड़पति देख सकें। तो यही दुआ कर रहे हैं हम। अपडेट जो भी कंटिन्यू आ रही है न्यूज़ में हम देख रहे हैं। तो ऐसा है मतलब सबको बुरा लग रहा है। अब क्या करो, आज ये जो बड़ी सेलिब्रिटी हैं इनको सब बड़े पर्दे पर देखते हैं तो इनके लिए तो लाखों दुआएं करोड़ों दुआएं शामिल हो गई है। पर साथ ही कई सारे मासूम ऐसे भी हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जो तो इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि भगवान उनको भी जल्दी से स्वस्थ कर दे और ये जो कोरोना जैसी महामारी है ये जल्दी से ठीक हो जाए। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हूँ अभी अपने पियर में, तो मेरे पियर में तो बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। मतलब मेरा जो भाई है ये सिंगिंग बहुत अच्छी करता है। पिछले व्लॉग में मेरे मम्मी का जो बर्थडे वाला व्लॉग था उसमें आपने देखा था इसका डांसिंग, आज आप सुनेंगे इसकी सिंगिंग कितना अच्छा गाता है। तो ये है अनुराग दुबे, श्री 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 1000। हेलो, तो आप कौन सा गाना सुनाओगे? आज मैं आपको सुनाऊंगा मजावा मूवी का एक सॉन्ग, इसका नाम है तू ही आना। दोस्तों ये थोड़ा सा आलाप ले रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं जब तक मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये बहुत सारी कलाओं में माहिर है। इनके खुद के भी यूट्यूब पर चैनल है, साथ में ये बहुत मतलब इनके अंदर आर्ट बहुत सारा है। बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी क्राफ्टिंग करते हैं, नई नई चीज़ें बनाना, नया नया काम करना इनको बहुत पसंद है। और एक्टिंग के फील्ड में भी इन्होंने बहुत प्रयास किया, पर जैसे कि वहाँ पर मुंबई का स्ट्रगल आप सब जानते हैं तो इसलिए इन्होंने सोचा कि कुछ अपना ही किया जाए। तो अभी तो हम इनका गाना सुनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना तुम्हें आना। मेरे दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना। थैंक यू। अब जीनी भी गाएगी, ये मेरी बेटी है, ये मामा की लाड़की, हर जगह मामा के पास आ जाती है। दिल का दरिया हम गाएंगे। अब दोनों मामा और बेटी गाना सुनाएंगे।
हमारा एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, हम दोनों मिलके गाते हैं। एक लाइन में गाता हूँ, एक लाइन हमारी छोटी सी आरवी गाती है। तो चलिए आरवी स्टार्ट करें। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। ओ थैंक यू। तो ये ऐसे मामा और बेटी दोनों गाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई मस्ती करते रहते हैं। ये मैंने अभी आपको छोटा सा ब्लॉग शेयर किया है अपने पियर का, यहाँ पर कैसे सब क्या कर रहे हैं। छत पे जा रही हूँ, वहाँ पर छोटी बेटी क्या कमाल कर रही है वो आपको दिखाती हूँ। वो भी कुछ ना कुछ शायद नाना के साथ में कर रही होगी। मेरे पापा वहाँ पर योग प्राणायाम कर रहे हैं शाम के टाइम। तो अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर बारिश हो गई है। अरे वाह, आप सलाद बना रही थी, ये आपने बनाया? अरे वाह, आपका नाम तो बताओ। छोटू। छोटू, इसको घर में सब कहते हैं छोटू। और वैसे नाम क्या है? आची अंदा। आची गौतम। तो आची ने सलाद बनाया है, नाना को सलाद बना के खिला रही थी। तो ये यहाँ पर पीछे ही मंदिर है भोलेनाथ का। सावन के फुहारें आ रही है, बरसात शुरू हो गई है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेती हूँ आपसे विदा। रास्ता ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको भाई का गाना कैसा लगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नए टिप्स और नुस्खे मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।